प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में संकलित कवि मैथिल कोकिल विद्यापति के भक्त और श्रृंगारी होने के विषय में विवेचना करेंगे। देखिए हम इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से कर सकते हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति की सरस काकली समय के अंतस्थल को भेदकर हिंदी साहित्य के सहृदय प्रेमियों के पास कुछ देर से भले ही आई हो, किंतु उन्होंने अपने पदों की कोमलता, सरलता तथा भाव प्रवणता से हिंदी जगत के हृदय को अपूर्व रूप से प्रभावित किया। विद्यापति के पदों ने हिंदी कविता कानन की अपूर्व वृद्धि की। वस्तुतः विद्यापति ने मधुर गीतों की रचना की, जिसकी परंपरा 8वीं सदी में सिद्धों से आरंभ हो गई थी। भावुकता, आत्मानुभूति और गीता से पूर्ण इनके गीत पाठकों को आत्मविभोर करने में पूर्ण समर्थ थे। सिद्धों द्वारा आरंभ की गई गीतों की यह परंपरा जयदेव द्वारा पुष्ट होकर विद्यापति तक पहुंची। विद्यापति ने अपने गीतों में संगीत और अनुभूति को साकार कर दिया। भक्त कवि का प्रसंग आते ही हमारे सामने तुलसी और सूर जैसे सिद्ध कवियों का नाम उभर आता है। मैथिल कोकिल विद्यापति को भक्त कवि मानने के प्रश्न पर विचार करते समय भी आलोचक यही विवाद उठाते हैं कि क्या उन्हें सूर तुलसी जैसे भक्त कवियों की कोटी में रखा जा सकता है, अथवा क्या वस्तुतः इन्हें भक्त कवि माना जा सकता है। इनकी श्रृंगार प्रवृत्ति क्या इन्हें मात्र श्रृंगारी कवि सिद्ध नहीं करती है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने विद्यापति को भक्ति और श्रृंगार की मध्यवर्ती सीमा पर खड़ा कर दिया है। इस संदर्भ में विचार करते समय हमें यह देखना होगा कि क्या भक्ति में श्रृंगार नहीं होता, क्या भक्त कवि की उक्तियां श्रृंगारिक नहीं हो सकती, क्या विद्यापति के पहले किसी के भी भक्ति काव्य में श्रृंगारिक पुट नहीं था। विद्यापति की श्रृंगारिक प्रवृत्ति महज दरबारी प्रवेश का आग्रह था या पूर्व परंपरा का प्रभाव, इन प्रश्नों का सम्यक विचार करने पर ही हम विद्यापति के साथ न्याय कर सकते हैं। वस्तुतः धर्म साधना में श्रृंगार विलास का समावेश वज्र यानी संप्रदाय के उदय के साथ ही हो गया था। इसमें स्त्री पुरुष की प्रज्ञा उपाय का रूप देकर दोनों के मिलन में ही समरसता अथवा महासुख की कल्पना की गई। इसमें प्रत्येक साधक के लिए महामुद्रा एक नीच जाति की सुंदरी के साथ रहना आवश्यक था, किंतु आगे चलकर सहज यान में इन विकृतियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। इन्होंने वज्रयानियों की कमल स्त्रीन्द्रिय और कुलिश पुरुषेन्द्रिय की प्रचलित साधना को सुरते विलास का साधन मात्र बतलाया और उसे चरम लक्ष्य नहीं माना। कालांतर में जैन, नाथ, सूफी आदि संप्रदायों ने इस सुधारवादी दृष्टिकोण को अक्षुण बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन इन सभी संप्रदायों में वैष्णव संप्रदाय की गुरुता सर्वाधिक व्यापक एवं प्रभव विष्णु थी। इसके आरंभ का निश्चित काल ज्ञात नहीं। वैष्णव संप्रदायों में विष्णु स्वामी द्वारा स्थापित संप्रदाय का विशेष महत्व है। यह शाक्त अनाचारों तथा बौद्ध मत की साधनात्मक जटिलताओं से मुक्त है। इन्हीं के समानांतर वैष्णव संप्रदाय की सहजिया शाखा बंगाल प्रांत में चली आ रही थी। जिस प्रकार सहजियान संप्रदाय में प्रज्ञा एवं उपाय के युगनबद्ध रूप की कल्पना की गई थी, वैसे ही इन वैष्णव सहजियों ने राधा कृष्ण के नित्य प्रेम को स्वीकार कर अपनी साधना को आगे बढ़ाया। फिर प्रत्येक मनुष्य के भीतर कृष्ण के स्वरूप और प्रत्येक स्त्री के भीतर राधा के रूप की कल्पना करके इन रूप एवं स्वरूप के मौलिक एकत्व को कार्यान्वित करने के लिए ही वैष्णव कवियों ने राधा और कृष्ण की नित्य लीला का प्रत्यक्ष अनुभव करना अपने लिए परम ध्येय मान लिया था और उसी का वर्णन करते हुए वो आनंद से फूले नहीं समाते थे। वे उस लीला या केली को अत्यंत ऊंचा महत्व देते थे। अतः हम कह सकते हैं कि जयदेव और उनके अनंतर चंडीदास विद्यापति में भी राधा और कृष्ण की लीला तथा केली के जो घोर श्रृंगारिक चित्रण दिखाई देते हैं, उनका कारण सहजियान संप्रदाय से होती हुई वैष्णव सहजिया संप्रदाय की परंपरा की वह सहज साधना ही है जो उन्हें विरासत में रूपांतरित होकर के मिली थी। विद्यापति ने अपने पदों में
कहीं भगवती, कहीं महादेव और कहीं राधा कृष्ण की वंदना की है। इसलिए विद्वानों ने उन्हें शाक्त, शैव तथा वैष्णव भक्त माना है। मिथिला में कोई उनको कोई भक्त नहीं मानता, लेकिन डॉक्टर उमेश मिश्र के अनुसार बंगाल में विद्यापति वैष्णव कवि तथा भक्त कवि कहलाते हैं। इसका कारण यह है कि विद्यापति की कविता ने राधा कृष्ण की भक्ति की थी, और उसी तरह से वैष्णव कवि चंडीदास ने भी विद्यापति की वैसी ही कविताओं को लेकर अपनी कविताओं की रचना आरंभ की थी। यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है। इसका आशय यह है कि बंगाल में विद्यापति की प्रतिष्ठा वैष्णव भक्त कवि के रूप में हो गई थी। मिथिला में विद्यापति की श्रृंगारिक रचनाओं की अपेक्षा शिव की नचारियों का ही अधिक महत्व हुआ है, लेकिन वहां के स्त्री वर्ग में तो श्रृंगारिक पद ही अधिक प्रचलित हैं। मिथिला में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे विद्यापति के 8-10 पद कंठस्थ न हो, किंतु श्रृंगार से आत्म परिष्कार नहीं होता, यह जानकर कवि ने भक्ति की शरण ली। माधव हम परिणाम निराशा, तुह जगतारण दीन दया मैं अते तोहर विश्वासा, आध जन्म हम नींद गवायन जरा शिशुकत दिन गेला, निधवन रमनी रभस रंगमातन तोहे भजन कब कोने बेला। राधा कृष्ण को लेकर लिखी गई विद्यापति की अधिकांश रचनाएं श्रृंगारिक ही हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उनमें हरि भक्ति का नितांत अभाव था। विद्यापति की ये पंक्तियां देखी जा सकती हैं। ए हरि बंदो तुव पदनाथ, तुव पद परिहार पाप पयो निधि, पारक कौन उपाय। इन पंक्तियों को पढ़कर डॉक्टर उमेश मिश्र ने लिखा, इस प्रकार का पश्चाताप वे नहीं करते यदि जब से उन्होंने आरंभ की तब से केवल भगवान की भक्ति में ही डूबे रहते। भक्त को आरंभ में पश्चाताप होता है और होना संभव भी है, किंतु यदि वह सालों तक भक्ति समुद्र में डूबा रहे तो पश्चाताप बाद को होना असंभव ही मालूम होता है। विद्यापति द्वारा रचित शिव की नचारियां तथा दुर्गा, गौरी और गंगा के संबंध में रचित पद ही भक्ति विषयक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबूराम सक्सेना व गोपाल कृष्ण राय तो इन्हें श्रृंगारी कवि ही मानते हैं। महेश बावनी के समस्त पद शिव भक्ति से संबद्ध हैं, लेकिन विद्यापति द्वारा रचित राधा कृष्ण संबंधी पदों को भी सर्वथा आपत्तिजनक नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ कांता भाव की भक्ति लोकप्रिय रही है। गुलाब राय के अनुसार हमको आध्यात्मिक भावों को प्रकट करने के लिए श्रृंगार की भाषा का व्यवहार करना पड़ता है। तब जब श्रृंगार की भाषा हमारे गहरे अनुभवों का व्यंजन कर सकती है, तब इसका व्यवहार में लाना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। इसलिए विद्यापति के श्रृंगारिक पद भी भक्तजनों को शताब्दियों से भावमुक्त किए हुए हैं। श्री नरेंद्र नाथ के अनुसार तो विद्यापति के पद बंगाल में भागवत और गीत गोविंद के समान समादृत हैं। चैतन्य महाप्रभु तो इनके पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाते थे। टैगोर बचपन से ही विद्यापति के गीतों को पसंद करते थे, अतः विद्यापति के श्रृंगारी पदों को भक्ति के क्षेत्र से पूर्णतः बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। रहस्यवादी दृष्टिकोण रखने वाले कुछ विद्वान विद्यापति के श्रृंगारी पदों में कृष्ण, राधा व दूति का क्रमशः परमात्मा, जीवात्मा एवं गुरु से अर्थ लेते हैं। इस प्रकार इनके मत में कवि ने स्वयं को पत्नी तथा ईश्वर को पति मानकर उपासना की है। डॉक्टर जनार्दन मिश्र के अनुसार विद्यापति के समय में रहस्यवाद का मत जोरों पर था। इनके प्रभाव से बचकर निकलना और किसी अधिक निष्कंटक मार्ग का अवलंबन करना इन्हें अर्थात विद्यापति को शायद अभिष्ट नहीं था, अथवा अभिष्ट होने पर भी तुलसीदास की तरह अपने वातावरण के विरुद्ध जाने की शक्ति इनमें नहीं थी। इसलिए स्त्री और पुरुष के रूप में जीवात्मा और परमात्मा की उपासना की जो धारा उमड़ रही थी उसमें उन्होंने अपने आप को बहा दिया। लेकिन पंडित शिवनंदन ठाकुर विद्यापति को पूर्णतः श्रृंगारी कवि मानते हैं और कहते हैं, विद्यापति ने स्वयं जिन पदों की रचना की है वे सब के सब श्रृंगार रस के पद हैं, राधा कृष्ण के पद या वैष्णवों के पद नहीं हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, आज के प्रश्न में इतना ही। आगे हम इसी प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, तब इस पर आगे विचार करेंगे। धन्यवाद।